हेलो स्टूडेंट्स कंटिन्यू है मेरा एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट थ्री एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास ट्वेल्व के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सिक्स पॉइंट थ्री में पिछला क्वेश्चन पहले वीडियो में कर चुका हूँ वो कंटिन्यू आप देखिएगा अच्छा होगा आज क्वेश्चन लिया हूँ फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन बात करता हूँ शुरू करता हूँ पहले फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन एक बार याद दिला दूँ टेंजेंट लाइन एक कर्व रहता है उसको टच करने वाला लाइन को टेंजेंट लाइन बोलते हैं टेंजेंट लाइन किस पॉइंट पे है ये हमें चाहिए और इस लाइन का स्लोप क्या है वो चाहिए स्लोप एम डिनोट करते हैं स्लोप से स्लोप ओके और इक्वेशन होता है वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन टेंजेंट लिखने के लिए पॉइंट और स्लोप चाहिए एक मिनट नेक्स्ट बात स्लोप से अगर कोई भी कंफ्यूजन हो स्लोप के बारे में एक बार रिपीट कर दूं क्लास टेन में या इलेवन में जो भी हम ग्राफ बनाते थे लीनियर ग्राफ ये लाइन जो ग्राफ वाला लाइन ये लाइन एक्स एक्सिस से जितना एंगल किया टेन ऑफ दैट एंगल दैट इज वन बाई रूट थ्री इज कॉल्ड स्लोप ऑफ दिस लाइन एक लाइन इस लाइन का स्लोप माने टेन ऑफ द एंगल विथ एक्स एक्सिस ये रहा एंगल रिलेटेड बात फिर स्लोप का फॉर्मूला क्लास इलेवन में भी स्लोपॉइंट टू पॉइंट दिया है स्लोप तो निकालने का तरीका इफ टू पॉइंट आर गिव है थर्ड बात एक लाइन दिया हुआ है यह लाइन सपोज टू एक्स माइनस वाई प्लस नाइन इक्वल टू जीरो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे लाइन का तो लाइन का स्लोप निकालने के लिए ये स्ट्रेट लाइन क्लास इलेवन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये एम इज स्लोप इस लाइन का स्लोप चाहिए तो आप इस लाइन को इस फॉर्म में लिखिए वाई इक्वल टू माइनस वाई को उधर ले जाने से वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस नाइन तो ये स्लोप हो गया इससे इक्वेट करके इसका स्लोप या m इक्वल टू टू स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने के लिए वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में लिख के आप निकाल सकते हैं अदरवाइज अगर इसी लाइन को डिफ्रेंशिएट कर दे टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू वहाँ से भी स्लोप निकल जाता है स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना हो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में एक्सप्रेस करके एम का वैल्यू लिखिए अदरवाइज डिफ्रेंशिएट करिए वो लाइन का स्लोप निकलेगा और कर्व से जो डिफ्रेंशिएसन करते हैं कर्व का डी वाई बाई डी एक्स वो है स्लोप ऑफ द टेंजेंट यहाँ बात के स्लोप ऑफ दिस पार्टिकुलर लाइन और यहाँ कर्व का डिफ्रेंशिएशन जो करते हैं वहाँ से निकलता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट और टेंजेंट लिखने के लिए हमें स्लोप और पॉइंट चाहिए ओके अब एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ सोल्यूशन में इक्वेशन ऑफ कर्व पहले लिख लूं ए नंबर वाला एक नंबर ही करता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवन तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस टू ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकला ठीक है कर्व का डिफ्रेंशिएशन किए तो ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकला फिर न लाइन भी लिखता हूँ गिवेन लाइन टू एक्स माइनस वाई प्लस नाइन इक्वल टू जीरो तो वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस नाइन यहाँ से स्लोप निकला इसका एम इक्वल टू टू वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हमने इक्वेट किया आप डिफ्रेंशिएट करके भी निकालोगे तो यहाँ का डी वाई बाई डी एक्स माने इस लाइन का स्लोप क्वेश्चन में पैरेलल टू दिस लाइन मतलब टेंजेंट का स्लोप टू दिया हुआ है सिर्फ अब हमें पॉइंट चाहिए और पॉइंट निकालने के लिए यह दिया गया है कंडीशन कि टेंजेंट इस पर पैरल होना चाहिए हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट पैरल टू दिस लाइन इसीलिए इसका स्लोप और टेंजेंट का स्लोप यह टेंजेंट का स्लोप 2x एक्स माइनस इक्वल होगा गिवेन लाइन का स्लोप इक्वल टू टू यानी टू एक्स इक्वल टू फोर टू एक्स और एक्स इक्वल टू फोर बाई टू तो टू एक्स का वैल्यू टू मिला स्लोप है पॉइंट चाहिए एक्स वन वाई वन ये एक्स वन लिखा है एक्स ये गिवेन पॉइंट निकला टू वाई निकालने के लिए कर्व से ही पॉइंट निकालिएगा क्योंकि कर्व पे टेंजेंट होता है तो वाई का वैल्यू कर्व से निकालेंगे टू स्क्वायर माइनस टू इंटू टू प्लस सेवन दैट इज फोर माइनस फोर प्लस सेवन इक्वल टू सेवन तो हम लोग को पॉइंट मिल गया एक्स टू वाई सेवन और स्लोप भी मिल गया है टू इस क्वेश्चन पार्टिकुलर इस क्वेश्चन में तो अब अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख देते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्मूला वाई माइनस वाई वन इक्वल टू माई एम एक्स माइनस एक्स वन ऐसा लिखता हूँ यहाँ डी वाई बाई डी एक्स भी कोई लिखते हैं इससे कोई फर्क नहीं मतलब इतना चीज़ हमको पुट करना है क्या स्लोप और पॉइंट तो वाई माइनस वाई वन वाई वन आया इधर में सेवेन इक्वल टू स्लोप टू ऑलरेडी गिवेन था क्योंकि इसका पेरलेल इसका जो स्लोप होगा टेंजेंट का भी वही स्लोप होगा वही स्लोप है टू वाई माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन एक्स वन इज टू तो वाई माइनस सेवन इक्वल टू टू एक्स माइनस फोर वाई माइनस टू एक्स सबको इधर ले आता हूं तो माइनस थ्री इक्वल टू जीरो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एक नंबर इक्वेशन दूसरा दूसरा क्वेश्चन में दिया भाई वो टेंजेंट निकालो कर्व हुआ ही है बी नंबर के लिए कर हुआ ही है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवन तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालते हैं तो टू एक्स माइनस टू ये टेंजेंट का स्लोप निकला इस बार कंडीशन दिया है भाई टेंजेंट इस लाइन पे परपेंडिकुलर होना चाहिए तो गिवेन लाइन गिवेन लाइन फाइव वाई माइनस फिफ्टीन एक्स इक्वल टू थर्टीन फाइव वाई इक्वल टू फिफ्टीन एक्स इक्वल प्लस थर्टीन थर्टीन बाई फाइव का काम नहीं तो यहाँ से स्लोप निकला आपका थ्री इस गिवेन लाइन का स्लोप इज थ्री टेंजेंट का स्लोप इज टू एक्स माइनस टू और वो दोनों पर पेंडिकुलर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परपेंडिकुलर है का मतलब एम वन इंटू एम टू इक्वल टू माइनस वन लिखेंगे एम वन मैंने एक स्लोप कोई एक स्लोप टू एक्स माइनस टू इंटू ये स्लोप थ्री इक्वल टू माइनस वन आता है सिक्स एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस वन सिक्स एक्स इक्वल टू माइनस उधर गया तो फाइव एक्स इक्वल टू फाइव बाई सिक्स पॉइंट निकाल रहे हैं स्लोप तो गिवे ना पॉइंट निकाल रहे हैं लाइन का स्लोप यहां मिटाता हूं पॉइंट निकालने के लिए कर्व में फाइव बाई बिठाएंगे हम लोग पॉइंट निकालने के लिए मिटा के बताता हूं नाउ वाई स्क्वायर सॉरी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवन एक्स का वैल्यू बिठा रहा हूं ट्वेंटी फाइव बाई थर्टी सिक्स माइनस टू इंटू टेन बाई सिक्स लिख दिया मैंने प्लस सेवेन, एलसीएम सी थर्टी सिक्स ये रहा ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स तो टेन से इंटू करेंगे सिक्सटी प्लस सेवन के नीचे कुछ भी नहीं तो सिक्स सेवेन जा फोर्टी टू केरी फोर सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन और फोर ट्वेंटी फाइव वैल्यू भी निकाल दो ये फाइव टू पहले प्लस प्लस कर लेता हूँ सेवेन फिर सेवन टू फाइव प्लस टू सेवन टू प्लस फाइव सेवन टू माइनस सिक्सटी बाई थर्टी सिक्स इक्वल टू सिक्सटी आया आपका सेवन से जीरो गया सेवन सिक्स सेवन से सिक्स वन टू वन सेवन बाई थर्टी सिक्स वाई का वैल्यू टू वन सेवन बाई थर्टी सिक्स और एम का वैल्यू यहाँ या स्लोप ऑफ टेंजेंट टेंजेंट का स्लोप और एम लिख देता हूँ एम स्लोप ऑफ द टेंजेंट ये लाइन का इस लाइन का स्लोप था थ्री तो इस पे परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट का स्लोप माइनस वन बाई थ्री जब पेड़लेल था तब जो लाइन का स्लोप है वही टेंजेंट लाइन का स्लोप है अगर परपेंडिकुलर है तो जो लाइन का स्लोप है उसका एडिटिव इनवर्स माने प्लस का माइनस माइनस का प्लस और रेसिप्रोकल भी मतलब लाइन का थ्री है तो टेंजेंट का माइनस वन बाई थ्री हमें स्लोप भी मिल गया पॉइंट भी मिल गया है इक्वेशन निकालता है इक्वेशन ऑफ दे फॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन वाई वन निकला है टू वन सेवन बाई थर्टी सिक्स इक्वल टू स्लोप टेंजेंट का स्लोप माइनस वन बाई थ्री एक्स माइनस एक्स वन फाइव बाई सिक्स थर्टी सिक्स वाई माइनस टू वन सेवन बाई थर्टी सिक्स इक्वल टू माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव सिक्स एक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाई एटीन यह एटीन टू जा काट देता हूँ इधर ही तो थर्टी सिक्स वाई माइनस टू वन सेवन इक्वल टू टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो माइनस टूवेल्व एक्स ये माइनस टूवेल्व एक्स माइनस माइनस प्लस टेन आया हम लोग का थर्टी सिक्स वाई प्लस टूवेल्व एक्स ये टेन को भी धर ले आता हूँ तो माइनस टू टू सेवन इक्वल टू जीरो इज रिक्वायर्ड आंसर ऑल राइट फिर बोलता हूँ टेंजेंट स्लोप में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है आप गिवेन कंडीशन से एम निकालो और पॉइंट निकालो इक्वेशन लिखो यह क्वेश्चन नंबर मैंने यहां मिटा रहा हूं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में दिया हुआ है सो दैट द टेंजेंट टेंजेंट्स टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर एक्स इक्वल टू टू और एक्स इक्वल टू माइनस टू आर पेरलेल वेरी इजी दो टेंजेंट पेरलेल है मतलब दो लाइन पेरलेल शो करना है मतलब देयर स्लोप इक्वल शो करना है टेंजेंट दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए और टेंजेंट का स्लोप कर्व का डिफ्रेंशिएशन से निकलता है सोल्यूशन शुरू पहले इक्वेशन ऑफ कर्व आप लिखो भाई वाई इक्वल टू सेवन एक्स क्यू प्लस इलेवेन तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेवन थ्री ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर अब ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है हमें प्रूफ करने दिया है टेंजेंट एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू टू और एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू माइनस टू पे जो टेंजेंट है वो पेड़ ले रहा है मतलब हम लोग सिर्फ ये करेंगे डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू टू यानी ट्वेंटी वन इंटू फोर और एक बार डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू माइनस टू ये भी ट्वेंटी वन इंटू फोर देर फोर सीन्स लिखेंगे देर स्लोप्स आर इक्वल एक्स इक्वल टू टू पे टेंजेंट का स्लोप ये निकला एक्स इक्वल टू माइनस टू पे टेंजेंट का स्लोप वही निकला दोनों टेंजेंट का स्लोप सेम है सिंस दे आर स्लोप आर इक्वल फाइनली दे आर फोर टेंजेंट्स आर टेंट्स आर पेरले एकदम सिंपल बात इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकाल के पेरलेव शो करने का कोई जरूरत ही नहीं है दे आर स्लोप इक्वल होने से पेरलेव इजी क्वेश्चन हटाइए इसको सिक्सटीन नंबर भी मिटाता हूँ रहा सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व पॉइंट अभी लास्ट क्वेश्चन में भी तो टेंज नॉर्मल निकालने के लिए हमने पॉइंट पहले निकाला था गिवेन कंडीशन से तो यहां भी क्या कंडीशन है देखते हैं फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व अच्छा एट व्हिच द स्लोप ऑफ द टेंज इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बताता हूं इक्वेशन ऑफ कर्व तो लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व वाई इक्वल टू एक्स क्यूब एक बात बता दूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाई माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप या स्लोप डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन फिर एक्स माइनस एक्स वन लिखते हैं या वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम ये समझने के लिए सिर्फ एक्स माइनस एक्स वन लिखते हैं ये है एट एक्स वन वाई वन पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन टेंजेंट अगर टेंजेंट एट आपको एक्स वाई का लिख रहा हो तो हम वाई माइनस वाई तो नहीं लिख सकते हैं इस केस में ऐसा लिखेंगे ज़रूरत पड़ेगा जब देखेंगे वाई माइनस वाई कैपिटल वाई इज हियर वेरिएबल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स वाई कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इधर स्लोप डी वाई बाई डी एक्स लिखिए या एम लिखिए एक्स माइनस स्मॉल एक्स तो कभी एक्स वाई से हम लोग पॉइंट डिनोट करते हैं कभी x1 y1 से जो जिस तरह से बात करे करें तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x y ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1 बात बिल्कुल सेम है चलिए यहाँ क्वेश्चन था फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व ठीक है पॉइंट ऑन द कर्व निकालेंगे इक्वेशन ऑफ कर्व रख देता हूँ एक नंबर एट व्हिच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट पहले निकाल लेता हूं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर यही है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट इफ द एट व्हिच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने एक्स वन वाई वन नहीं लिया एक्स वाई में रहने दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तब थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई होना चाहिए क्योंकि टेंजेंट एट विच द स्लोप ऑफ देंट ये इज इक्वल टू वाई कोर्डिनेट ओके लिख दिया स्लोप इज इक्वल टू वाई कोर्डिनेट ये इक्वेशन टू पॉइंट ऑन द कर्वेशन ऑफ कर्ज एक नंबर पॉइंट और ये गिवेन कंडीशन दो नंबर इक्वेशन कंडीशन से इन दोनों को सिंप्लीफाई करके वन एंड टू इम्प्लाय पॉइंट निकाल रहा हूं वन एंड टू इम्प्लाय मैंने वाई इक्वल टू एक्स क्यूब दिया था का अगर हेल्प लो तो, मतलब मतलब तो, तो y मतलब और एक्स इक्वल टू थ्री तो वाई इक्वल टू यहाँ छोटा सा काम है x पॉइंट निकालना था x जीरो निकला x थ्री निकला y निकाल देता हूं कर्व से ऑन द कर्व चाहिए कर्व से तो जीरो का वैल्यू देने से जीरो थ्री कर ट्वेंटी सेवन देयर फॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर एक हुआ आपका जीरो जीरो दूसरा हुआ थ्री कॉमा ट्वेंटी सेवन ओके तो नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन करूंगा छोटा छोटा वीडियो बनाता हूं आप कमेंट जरूर करना व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करना मैं आपको हेल्प करते रहूंगा